सताना मौसम है रंग नच करेंगे मैं छुपा। नमस्ते शश्री अकाल वड़कम आदाब सुप्रभात अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मेरा प्यारा सा हिंदुस्तान। आई होप आप लोग होंगे बढ़िया मस्त और स्वस्थ और आपकी ज्योति भी बढ़िया है मस्त है स्वस्थ और व्यस्त है बहुत ज्यादा अपनी प्यारी सी फैमिली को प्यार करने में उन्हें परेशान करने में और थोड़ा बहुत उनसे प्यार लेने में। तो चलते हैं हमारे घर के लोग क्या क्या कर रहे हैं आपको मैं दिखाना तो चाहती हूँ और दिखाऊंगी भी। मैं जाऊंगी जो मेरे आसपास है वो है मेरी भाभी जान। हाय भाभी जी क्या कर रही हो? गुड मॉर्निंग भग्गू। गुड मॉर्निंग भाभी जान। गुड मॉर्निंग टू यू। मैंने कितनी बार गुड मॉर्निंग कह दिया ना आपको सुबह से, बट ये मेरे दोस्तों के लिए है आपकी प्यारी सी गुड मॉर्निंग। और कितनी क्यूटी पाई लग रही हो आप, वाओ सो क्यूट। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, ये क्यूटनेस का कमाल कहाँ से आया? मम्मा से या डैडा से? डैडा से। किससे आया? डैडा। हाँ मम्मा से नहीं आ सकता वैसे, डैडा से ही आ सकता है। मम्मा की क्यूटनेस तो सुबह सुबह भी गायब हो जाती है चिल्लाने में। हाँ कितना जो करते हैं हम दिमाग खराब। बाप रे ये बच्चे हो गए क्या हो गए। अब लेके आ रही हूँ जल्दी से। तो मैंने प्यारा सा स्माइली वाला ब्रेड बनाया है भग्गू के लिए। देखो 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 कैसा लग रहा है आपको, कैसा लगा? वाओ क्यूट लग रहा है ना, पर भग्गू की स्माइल से ज्यादा क्यूट नहीं लग रहा है ना भग्गू? कैसा लगा आपको? अच्छा। स्माइल कर दे जैसे स्कूल में शर्माती वैसे शर्मा जा। कैसे शर्माती स्कूल में? ऐसे शर्माओ शर्माओ कैसे मैम जो बोलती है। चलिए भाग्यश्री एक पॉइंट सुनाइए। भाग्यश्री कम हियर। आप भी करो, आप कैसे करती है? तो बच्चों का टिफिन भी हो चुका है रेडी जयश्री और भाग्यश्री का। भाग्यश्री ले जाएगी अपनी दीदी का टिफिन ना। थैंक यू चाची। और दीदी को दे दोगी? से थैंक यू चाची। आप भी बोला करो थैंक यू। और देखो जयदू आ गए इक्की के और भग्गू के चाचू आ गए। गुड मॉर्निंग बोलते है ना। मुझे भाव क्यों नहीं देते होंगे? कौन? प्रदीप जान मुझे भाव ही नहीं देते आजकल। आप गुड मॉर्निंग तो बोलो यार मुझसे। बिजी है ना इसकी के साथ। बिजी यार। तो बीबी को भूल जाते हैं। बताओ भाभी मेरी जिंदगी ऐसी क्यों हो गई? तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं छत में। देखिए वन टू एंड थ्री, थ्री बकेट हमने आज कपड़े धोए हैं। तो आप समझ सकते हैं ना हम कितनी मेहनती लड़कियां हैं, कर करके थक चुकी हैं, कपड़े धो धो के थक चुकी हैं हम। ये देखिए अब दोबारा कपड़े सुखाओ फिर उतारो सुखाओ उतारो। आप कुछ कहना चाहोगी? आप चलिए फटाफट कपड़े डालिए। ये देखो कि क्या करना है इसकी का काम। हाँ। और बाथरूम वाथरूम का क्लीनिंग करेंगे। ये देखिए कैसा ऑर्डर दिया जाता है अपनी देवरानी को। हाँ यार आज शादी में भी जाना ना हमें। ये बच्चों के लिए कुछ खाना पीने के लिए बनाना है जैसे हम आज रोटी बनाएंगे। और बस 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 यार एक तो लोग भी बोर हो जाएंगे। बाप रे इनके घर के काम खत्म ही नहीं होते हैं। हो गया यार लोगों को बोर मत करो आप। हो गया बस। तो फ्रेंड्स हमने सारे के सारे कपड़े सुखा दिए हैं और आपको पता है आज मौसम है थोड़ा सा खराब, बट इन पहाड़ियों के बीच में देखिए इन पहाड़ियों के बीच में एक गाँव बसा है जहाँ आ जाइए धूप, पर यहाँ धूप नहीं है। वो देखिए आप दिख रहा होगा आपको, ये देखिए यहाँ आइए प्यारी सी धूप। तो धूप जी थोड़ा इधर आ जाइए ताकि हमारे कपड़े सूख जाएं। और जगह देखिए मौसम कितना खराब हो रहा है, पूरे बादल ही बादल ये देखिए। और उन्हीं बादलों के बीच में है एक भाभी जान जिनकी खूबसूरती दिन प्रतिदिन बस बढ़ती जा रही है। बस ये देखिए मैं भाभी आपकी तारीफ इसलिए भी करती हूँ ताकि आप घर का काम करती रहो। आप बस खुश होती रहो अपनी तारीफ सुन सुन के और काम करती रहो। काम करती रहो दिल दीवाना दीवाना। सताना मौसम है रंगीन नजारे, धड़कन क्या
कहती है समझो इशारे। वाओ, इतनी जल्दी मेरी विश कंप्लीट हो गई यार। मैंने बोला धूप जी आप थोड़े यहाँ आ जाइए कपड़े सूखने के लिए, और धूप आ गई। ओह माय गॉड, भगवान जी थैंक यू सो मच। थोड़ा और कुछ मांग लेती तो क्या होता यार। तो फ्रेंड्स, हम रेडी हो चुके हैं शादी में जाने के लिए। तो आज हम सिंपली तैयार हुए हैं क्योंकि ये हमारे कॉलोनी की शादी है यार। रिलेटिव की शादी हो तो तैयार होना तो बनता है। तो भाभी भी हो चुकी है तैयार और हमारी स्कूटी भी हो चुकी है तैयार शादी में महिला संगीत में जाने के लिए। तो लेट्स गो। नच करेंगे मैं चुपहाड़न अपने जान की पहाड़न। संगीत हो चुका है खत्म, अब हम जा रहे हैं घर। आपको पता हम स्कूटी में आए थे पर प्रॉब्लम ही होगी ना, हमारी चाबी ले जा चुकी हमारी ननद, तो अब हमें पैदल जाना पड़ा। देखिए हम महिला संगीत से बहुत सारी चीजें ले जा रहे हैं अपने बच्चों के लिए। हम ले जाते हैं, हम माँ है ना, हम माँ है तो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो ले जाना पड़ता है ना। तो हम उनके लिए कैंडी फ्लो और पॉपकॉर्न ले जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ शादी से भाभी और मैं, भाभी है नीचे। तो मैंने सोचा यार व्लॉग की एंडिंग कर लेते हैं, तो पर हमने ना काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया। हमारे साथ ना आज हमारे बच्चे भी नहीं थे, अगर बच्चे साथ ना हो काफ़ी अच्छे से हम इन्जॉय करते, पर ना बीच बीच में बच्चों की बहुत याद आने लग जाती है, तभी तो हम थोड़ा छोटी 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 चीज़ें लेके आ ही जाते हैं। और क्या करें, अब माँ का दिल होता ही ऐसा है कि हम कहीं भी जाएँ बच्चे की याद आ ही जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आता है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है विथ योर प्यारी प्यारी फैमिली। मिलते हैं न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना भूलना मत। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।